श्री हिंदू उत्सव समिति के चुनाव में नया मोड़ आ गया है। प्रत्याशी घनश्याम दास गुप्ता ने कहा है कि चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव बन गया है। वहीं हिंदू उत्सव समिति के पूर्व अध्यक्ष नरेश राव जाधव ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी संतोष साहू को बीजेपी के ही लोग लगातार पीसी शर्मा के कहने से समर्थन कर रहे हैं, जबकि बीजेपी के कट्टर समर्थक घनश्याम दास गुप्ता हिंदू उत्सव समिति के चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थन दूसरे पार्टी के लोगों को दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि हिंदू उत्सव समिति में बीजेपी समर्थक कहे जाने वाले घनश्याम दास गुप्ता को कार्यकर्ता अपना वोट देते हैं या कांग्रेस समर्थित संतोष साहू को अपना वोट देते हैं। गौरतलब है कि घनश्याम दास गुप्ता सांसद प्रतिनिधि भी है। ऐसे में क्या बीजेपी के कार्यकर्ता और सदस्य घनश्याम दास गुप्ता को अपना वोट करेंगे? बाइक घनश्याम दास जी क्रमांक नंबर 2, मैं जो है जिसे हिंदू समिति के उस बारे में हमारी जो मनसा जो है ये है कि हम जो है 11,000 रुपये जो फीस है उसको जो है 1100 रुपये में करेंगे नामांकन फीस, और जो आजीवन सदस्य है उसको 501 की जगह 251 रुपये करेंगे। और हमारा जो है उद्देश्य ये है कि एक हिंदू समिति का एक कार्यालय होगा जो परमानेंट जो है समस्याओं का निवारण होगा। एक छत के नीचे लब देहात वगैरह जैसे ऐसी जो है योजनाएँ हैं उनको जो है निवारण करेंगे। और जो है अपन का ये उद्देश्य है कि अपन जो अभी तक जो एक भी कार्यालय नहीं है, जबकि इतनी पुरानी संस्था होने के बाद एक भी कार्यालय नहीं है, जबकि सबके जो कार्यालय होते हैं। जो हमारी तमन्ना है कि एक कार्यालय हो के उसी में सबकी समस्या हल हो, और जो है जो मंदिरों को जीर्णोद्धार जो है उसकी जो समस्याओं को निवारण करूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं कमल अजमेरा विश्व हिंदू परिषद का मैं सदस्य हूं और साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। मैं घनश्याम गुप्ता जी के समर्थन में मैं निरंतर प्रचार कार्य में और जन संपर्क में साथ रहा हूं। मैं इतना जानता हूं बंधुओं के जिस प्रकार कुछ लोग इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि उनको पैसा इकट्ठा चंदा करके कोई पुराना कर्जा इनके ऊपर है वो उसको वसूल करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदुओं के नाम पे चंदा इकट्ठा करो और पुराना कर्जा चुकाओ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं सबकी बात नहीं कहता हूँ, जो चंदा मामाओं की भीड़ चल रही है उनके साथ, उनका एक उद्देश्य है साथ में रहेंगे, चंदा लेंगे, चंदा खाएंगे, लोग मस्त रहेंगे। मैं दुकानदारों से कहना चाहता हूँ, घनश्याम गुप्ता जी चंदा देते हैं लेकिन चंदा कभी लेते नहीं है, ये उनका मूल उद्देश्य रहा है। ये जहाँ भी घनश्याम गुप्ता जी ये आज जितने भी कार्यक्रम हमारे हुए झांकियों के हुए, चाहे वो पद पे नहीं रहे लेकिन झांकियों के ऊपर, चाहे दुर्गा जी की झांकी हो या गणेश जी की झांकी हो, इन्होंने हमेशा झांकी जीते हुए उन लोगों को अपनी तरफ जो उन्होंने बना श्रद्धा से उन झांकी के लोगों को उन्होंने अपना चंदा दिया है। आज से मालूम पड़ता है कि आज कम से कम विश्व हिंदू अपने हिंदू उत्सव समिति को एक वो समिति बनाना चाहते हैं, उसका इतनी साफ सुथरी छवि बनाना चाहते हैं कि चंदा लेंगे नहीं बल्कि चंदा देने की काम करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि घनश्याम गुप्ता जी को मैं अपील करना चाहता हूँ उन लोगों से जो किसी मतलब स्वार्थवश जो लोग जो है मतलब आज जो कांग्रेस के जो समर्थित जो लोग हैं, जो एक जिला एक भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश जिले का उपाध्यक्ष है, जिला उपाध्यक्ष, उसको समर्थन दे रहे हैं, ये क्या तरीका है? मैं उन भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, नेताओं से कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी से लाभ लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति है घनश्याम गुप्ता, जो कि जो व्यक्ति के ऊपर कोई धाक नहीं है, एक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए मैं चाहता हूँ उसको समर्थन दे करके घनश्याम गुप्ता को भारी बहुमत से विजय बनाना चाहिए। पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान में संयोजक हिंदू क्रांति मंच और पूर्व हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष, मैं आज समाज में जो लोग बड़ी बड़ी पगड़ी बांध के घूम रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हिंदू उत्सव समिति के जितने भी अध्यक्ष रहे या आने वाले अध्यक्ष भाई घनश्याम दास जी गुप्ता, आज जन समर्थन जुटाने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी के चौक चौपाल चौराहे के ऊपर अपना कार्य कर रहे हैं। इन्होंने सरकार से कौन सा फायदा लिया? आज जो व्यक्ति हमारा
व्हाट्सएप के माध्यम से ये कह रहा है कि जो भी अध्यक्ष बनते हैं वो सरकारी सुविधाएं लेते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, श्रीमान जी, सरकारी सुविधा श्यामाचरण शुक्ल हो, अर्जुन सिंह साहब हो, या मोतीलाल जी बोरा हो, या सुंदरलाल जी पटवा हो, या आज शिवराज सिंह चौहान जी हो, इनके शासन काल में आपने और आपके परिवार ने निरंतर शासन से सुविधाएं ली हैं। आज हिंदू समाज को मत बांटिए, अब आपके बस का नहीं है। हिंदू समाज को कितने फिरकों में आप बांटना चाहते हैं ये स्पष्ट करना होगा। मैंने खुद एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेता के कहने से एक महिला को पार्षद बनाया। वह महिला भारतीय जनता पार्टी की थी, तो दूसरी महिला जो कांग्रेस को बिलोंग करती थी, तो आज ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि इस कांग्रेस के व्यक्ति को जो जिले का उपाध्यक्ष है, पीसी शर्मा जी का समर्थक है, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या कार्यकर्ताओं का टोटा आ गया है या कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से चले गए? आज ऐसे कांग्रेसी को आप हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी आज इसको समर्थन दे रहे हैं। मैं उन सबको चेताना और कहना चाहता हूं कि घनश्याम दास गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है और उसने भोपाल की सांसद का प्रतिनिधि है, आज संसद प्रतिनिधि है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो आदमी जीता है और ये आदमी कांग्रेस के लिए जीता है और कांग्रेस के लिए काम करता है। उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि मैदान में जब काम पड़ता है तो हम जैसे कार्यकर्ताओं की तुमको आवश्यकता पड़ती है। आज ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि पार्षद कांग्रेस का बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नाम से, और दूसरा हम हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष का पद के ऊपर घनश्याम को नहीं चुनेंगे।